हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बीएड छात्रों के लिए बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पर डबल बेंच का मामला क्या है और रिव्यू पिटीशन क्या है, कोर्ट से कितनी अपडेट आई, सारी चीज़ें बताने वाले हैं। फिलहाल दो तीन राज्य से नई अपडेट आई बीएड में, जिसको प्राइमरी में शामिल भी किया गया, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, सबसे पहली चीज़ तो डबल बेंच क्या, देखो कोर्ट की तरफ से अपडेट दी गई, अगर आपको फिर से याचिका लगानी है तो आप लोग डबल बेंच से याचिका दे सकते हो, ठीक है। अब रिव्यू पिटीशन क्या है कि 11 सितंबर से पहले आप क्या है कि रिव्यू पिटीशन दे सकते हो, अन्यथा अमान हो जाएगा। क्योंकि ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में 30 दिन के अंदर ही अंदर आप लोग क्या है याचिका लगा, मतलब रिव्यू पिटीशन दे सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, 11 सितंबर लास्ट है और फिर से याचिका देना तो डबल बेंच है। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर असम राज्य से नई अपडेट आई है, छत्तीसगढ़ से नई अपडेट आई है और मध्य प्रदेश से नई अपडेट आई है। असम में क्या है, असम राज्य में बीएड को एलिजिबल मान लिया है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में बीएड वालों काफ़ी राहत देखने को मिली है, ठीक है, उनके लिए भी खुशखबरी, उनके पक्ष में भी निर्णय देखने को मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या है, कल ये अपडेट निकल के आई है कि बीएड वालों काउंसलिंग और नियुक्ति सब कुछ होगा, ठीक है, नियुक्ति भी होगी। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट अगर कह देगा कि नियुक्ति से हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, तो वो हटा दिए भी जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय करेगा वो बाद में फिक्स रहेगा, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि बीएड वालों का चयन होगा, नियुक्ति भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर बाहर कर दे तो वो बात अलग है, ठीक है। अब फिलहाल 4 सितंबर को बीएड छात्रों के लिए बड़ी अपडेट है, अध्यादेश की मांग के लिए महाधरना प्रदर्शन है। सभी लोग सपोर्ट करिए, अध्यादेश से ही बीएड प्राथमिक में शामिल देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे अगर कोई अपडेट आती बीएड से संबंधित तो पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।